पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों एवं बच्चियों, आज हम लोगों ने तीन पाठ सुने हैं। पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ से, दूसरा पाठ संत पॉल के पत्र एफेसियों के नाम, और तीसरा पाठ संत मत्ती के सुसमाचार से। इन तीनों पाठों में एक विशेष मुद्दा है, एक विशेष विषय है, और वह है कि ईश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना है। आइए हम देखते हैं पहले पाठ में होशिया नबी के ग्रंथ से जो पाठ हम लोगों ने सुना है। होशिया नबी को कहा जा रहा है, जब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप इस नगर को छोड़कर चले जाएं, हमें ईश्वर की बात नहीं सुननी है, हम नहीं चाहते हैं, आपकी यहां कोई जरूरत नहीं। उस परिस्थिति में होशिया नबी लोगों से कहते हैं, देखिए मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं गुलर का पेड़ छाट रहा था और उस समय ईश्वर ने मुझको बुलाया। उन्होंने कहा कि जाओ और मेरी प्रजा को यह बात बताओ, मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मेरी बात को लोगों तक पहुंचाओ, अर्थात भविष्यवाणी करो। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन ईश्वर ने मुझे चुना और आज मैं यहां हूं। अब आप बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या उस ईश्वर की बात मानूं जिन्होंने मुझे चुना है, उनकी योजना है मेरे लिए, और उस योजना को मैं पूरा करूं या आपकी योजना को मैं पूरा करूं। इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं ताकि मैं भविष्यवाणी करूं, ईश्वर की बात को आपके समक्ष रखूं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हम लोगों ने सुना, बहुत ही सुंदर पाठ। दो बातें उसमें भी है। पहली बात है कि ईश्वर ने उन लोगों को चुना था और उन्होंने एक योजना बनाई उन लोगों के लिए, एफेसियों के निवासियों के लिए, एफेसिस के निवासियों के लिए, और उन्होंने कहा, आज के पाठ में भी हम लोगों ने सुना है, तुम लोग विशेष रूप से चुन लिए गए और मेरे चुनने का एक विधान है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि तुम लोग आपस में प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, एकता से रहो, एक दूसरे की सहायता करो ताकि दूसरे लोग भी मेरी तरफ आकर्षित हो। सभी लोगों के पास तुमको जाना है, बताना है कि हम लोगों ने एक ईश्वर को पाया है और वह ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, जो सबों के लिए सबों की देखभाल करता है, सबों के लिए उसके हृदय में प्रेम है और वो कभी दूसरों को नहीं छोड़ेगा, विशेष करके जिन लोगों को वे चुन लेते हैं वे कभी नहीं छोड़ते हैं, वे अपने प्रतिज्ञा पर अडिग हैं, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। एफेसियों को प्रभु का संदेश संत पॉल देते हैं, कहते हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई काम दिया गया है, एफिसस के लोगों को, और वो अपना काम निभाएं, काम करें, और तब ईश्वर की आशीष उनको मिलेगी और उनके द्वारा उनके समाज को मिलेगी। ये हुआ दूसरा पाठ। आज का सुसमाचार, फिर प्रभु अपने प्रेरितों को चुनते हैं, उनके लिए, हर एक प्रेरित के लिए उनकी एक योजना है, उनके मन में एक प्लान है। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुना और उनको भेजते हैं, जाओ मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाओ, और कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कहते हैं क्या प्रभु, विश्वास के साथ जाओ ईश्वर पर, अपने प्रेमी पिता पर, वो दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए उनके हृदय में प्रेम है, उन्होंने एक प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है तुम्हारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, इसीलिए जाओ पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ जाओ, अपने साथ कुछ मत ले जाओ, न तो झोली लो, न पैसा लो, जूता पहनो, क्योंकि तुमको चलना है, बहुत दूर जाना है, लोगों तक पहुंचना है, लेकिन अपने साथ कुछ मत ले जाओ। ये हुई बात ईश्वर पर आस्था की, ये हुई बात ईश्वर पर भरोसा की, ये हुई बात अपने विश्वास में अडिग रहने की।
और साथ ही साथ लोगों प्रेरितों से वे प्रभु कहते हैं कि जिस घर में प्रवेश करो अगर वहां पर शांति के योग्य कोई व्यक्ति होगा तो उसको शांति मिलेगी। प्रवेश करते समय कहो इस घर को शांति मिले, और वहां अगर कोई व्यक्ति होगा जो शांति के लायक होगा उसको प्रभु की शांति मिलेगी। और प्रेरित निकल पड़ते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ, अधिक विश्वास। दूसरी जो बात तीनों पाठों से उभर कर आती है वह है कि हर एक व्यक्ति को प्रत्युत्तर देना है। ईश्वर की योजना है हर एक व्यक्ति के लिए, और उस योजना के प्रति हमको उत्तर देना है, जिसे हम प्रत्युत्तर कहते हैं, हमारा उत्तर ईश्वर की योजना के प्रति। अब देखिए आमोस नबी को ईश्वर ने चुना और उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, अपनी चरागाह छोड़ दी, भेड़ों को छोड़ दिया और चले गए भविष्यवाणी करने, लोगों को ईश्वर की योजना बताने। कष्ट उठाना पड़ा उनको, लोगों ने उसे दुत्कारा, मारा, पीटा, और यही बात हर नबी के जीवन में घटी है। हम लोग देख सकते हैं पुराने व्यवस्थान में बहुत सारे नबी आए, हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना थी कि बहुत सारे लोगों को लोगों ने पीटा, मारा, जेल में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया, हर प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, किसी को किसी का सर कलम कर दिया गया, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो हम पुराने व्यवस्थान में सुनते हैं। और अंत में ईश्वर ने अपने पुत्र को भी भेज दिया, होशिया नबी। उन्होंने कहा कि मैं तो नबी नहीं था लेकिन ईश्वर की योजना थी ये मेरे जीवन में कि मैं जाऊं, और मैंने उत्तर दिया है इसलिए मैं उनकी योजना पूरी कर रहा हूं। एफेसियों के नाम पत्र में संत पॉल का संदेश, ईश्वर का संदेश संत पॉल के माध्यम से लोगों को मिला और उन लोगों ने उत्तर दिया। उनका जीवन एक सामुदायिक जीवन बन गया जहां वे एक साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, केयर करना, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। और तब हम देख सकते हैं कि हमारा समुदाय भी ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएगा, ईश्वर की आशीष मिलेगी, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से, उसके बाद सामुदायिक रूप से, और तब पूरे समाज को ईश्वर की कृपा मिलेगी। जब हम उत्तर देते हैं, सकारात्मक उत्तर देते हैं प्रभु की योजना के प्रति, तब जरूर हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सुसमाचार में प्रेरितों को चुना गया, ईश्वर की योजना थी उनके जीवन में और उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। और हम जानते हैं जिसने नकारात्मक उत्तर दिया, जिसके मन में खोट था, जिसके मन में लालच था, वो उसका दुर्भाग्य हुआ। हम अपने जीवन में देखें हमारी जो बुलाहट है, चाहे हम पुरोहित हो, सिस्टर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, माता हो, पिता हो, स्टूडेंट हो, जो भी हमारी बुलाहट है, हम जिस परिस्थिति में आज हैं वही हमारी बुलाहट है, और उस बुलाहट में हम उस ईश्वर को उत्तर देते हैं। क्या हम सकारात्मक उत्तर दे रहे हैं या नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं? क्या हम उस बुलाहट को पहचान पा रहे हैं? एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में, क्या हम अपने कर्तव्य का निवारण करते हैं? कर्तव्य का निर्वाह हम उचित रीति से करते हैं? यदि हाँ तो हमारा उत्तर सकारात्मक है, यदि नहीं, अगर हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो हमारा उत्तर नकारात्मक है, ईश्वर की कृपा नहीं मिल पाएगी। ईश्वर वही कृपा प्रदान करेंगे जहां हम सकारात्मक रूप से उत्तर देते हैं और उस पर कायम रहते हैं। नबी होशिया ने वही किया, एफेसिस के लोगों ने वही किया, प्रेरितों ने वही किया, बहुत सारे संत हमारे कैथलिक कलीसिया में हुए हैं जिन्होंने अपना उत्तर दिया, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया ईश्वर की योजना को। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है हमारी मां मरियम। उनका एक ही वाक्य है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा, मतलब कि ईश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाए, मैं जहां भी जाऊं वहां ईश्वर की योजना को मैं पहचानूं। तो मेरा कोई भी व्यवसाय हो, मैं कहीं भी रहता हूं या रहती हूं,
मैं जिस परिस्थिति में भी हूं वहां ईश्वर की योजना को पहचानना मेरा कर्तव्य है। ईश्वर ने एक योजना बनाई है मेरे लिए, उस योजना को हमें समझना है। अक्सर हम उस योजना को नहीं समझ पाते हैं, इसके लिए हमें आज कृपा मांगनी होगी। ईश्वर कृपा के भंडार है और वे हमें कृपा देने को तैयार हैं। क्या हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं? और हम जितना बड़ा द्वार खोलेंगे उतनी ही ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त होगी। आइए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें आज कि प्रभु हमारे हृदय में प्रकाश दे, पवित्र आत्मा की कृपा दे, शक्ति दे, साहस प्रदान करें कि हम अपने जीवन में ईश्वर की योजना को पहचान सके, सबसे पहले उसका प्रत्युत्तर दे सके, सकारात्मक उत्तर दे सके, और तब प्रभु पर विश्वास रखें कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर की योजना वही है, आज हम उसे पहचान सके और ईश्वर से कृपा प्राप्त कर उस पर अडिग रहें, उसके अनुसार अपना जीवन बिता सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।